हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद एसएम। आज हम बनाएंगे पनीर शीश तवू, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर अपने शीश तवू की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, जो हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा सिनेमन स्टिक पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा पपरिका पाउडर। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसकी जगह पे चिली पाउडर मिला सकते हैं। इसमें वैसे पड़ता जो है वो पपरिका पाउडर ही पड़ता है, क्योंकि ये एक सऊदी डिश है तो इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं होता है। और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पड़ेगा और इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के टमाटो पेस्ट। और 1 मीडियम साइज का लेमन। हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा, रोस्टेड क्यूमिन सीड। और अब हम इसको अच्छे से अपने हाथों से मैरिनेट करेंगे। अब ये हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया था, ये हम बताना भूल गए थे। तो अब इसको हम 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये हमने थोड़ी सी सब्जियां ली हैं जिसको हमने स्क्वायर काट लिया है। ये हमारा हाफ शिमला मिर्च है और ये हमारा रेड पेपर है, शिमला मिर्च के तरीके से जो लाल होता है वो है। और ये हमारे प्याज है हाफ हमने ये भी लिया है। और ये हमारा एक टमाटर है जिसके हमने बीज निकाल के स्क्वायर में काट लिया है। अब चले इसको हम अपने सीख पे लगाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्याज लेंगे, टमाटर लगाएंगे, फिर शिमला मिर्च लगाएंगे और फिर ये रेड वाली शिमला मिर्च लगाएंगे और उसके बाद फिर पनीर लगाएंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही हम एक एक लेयर और लगाएंगे। ये हमारी स्टिक तैयार हो गई है। अब ऐसे हम अपने सारे स्टिक्स तैयार कर लेंगे, फिर हम इसको बेक करेंगे। अब देखिए ये हमारी स्टिक रेडी है। अब आप इसको चाहें तो बेक कर लें, लेकिन हम इसको बेक नहीं करेंगे, हम इसको हल्के से ऑयल में तवे पे फ्राई करेंगे। अब ये तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम हल्का सा अपना ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास। और इसको हम थोड़ा सा और गर्म तेज आंच पे तवे को गर्म करके पकाएंगे और हम अपने ऐसे ये हमारी एक तरफ पक चुकी है, इसको हम जो है दूसरी तरफ से घुमा देंगे। ऐसे आप अपने सारे स्टिक्स को देखें, इस तरफ से हो गई है। ये हमारा देखिए सिक चुका है। पनीर ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है तो बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसी में हम अपने कोयले को रखेंगे, एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बारबेक्यू वाला टेक्सचर देना है और प्लेट से हमारा शीश तवू रेडी है। आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत मज़े का होता है खाने में और बहुत यूनिक सा चिकन टिक्का या पनीर टिक्का इन सबसे एकदम डिफरेंट टेस्ट होता है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।